आज का क्लास आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का टॉप 25 VVI गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी इंग्लिश में दिक्कत है या फिर इंग्लिश से डर लग रही है, तो ये 25 क्वेश्चन आप याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। पूरा क्लास देखिएगा और ये 25 क्वेश्चन जो है मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। आप जो है अगर कमेंट करेंगे तो आपको जल्दी याद होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कमेंट करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको PDF नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन आप लोग जो है जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप सभी को जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर देखिए पूछा गया है कि वाल्ट व्हिटमैन इज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, प्यारे बच्चों देखिए वाल्ट व्हिटमैन जो है कितने साल के हैं, तो आपको याद रखना है 37 इयर्स के हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई, प्यारे बच्चों देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता होगा वाल्ट व्हिटमैन साहब के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चार नंबर, वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, प्यारे बच्चों वाल्ट व्हिटमैन साहब जो है कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है ये अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पांच नंबर, WH ऑर्डन ऑन द प्राइज यानी डॉट डॉट प्राइज इन 1948, प्यारे बच्चों देखिए WH ऑर्डन को जो है 1948 यानी 1948 में कौन सा प्राइज मिला था, तो उसके जो है यानी पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं छः नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना है। इंग्लिश में अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको पर डे का क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, जितना भी क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सिक्स नंबर पूछा गया है, किड्स इज अ डॉट डॉट पोएट, प्यारे बच्चों देखिए यानी जो जॉन किड्स है तो वो कैसा पोएट है, तो वो एक रोमांटिक पोएट है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सात नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KKN दारूवाला वाज डॉट डॉट बाय रिलीजन, प्यारे बच्चों देखिए KKN दारूवाला जो है ये यानी धर्म से कौन सा रिलेट करता है, यानी कौन सा धर्म से रिलेट करता है, क्या वो पारसी धर्म से, हिंदू धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से या फिर मुस्लिम धर्म से, तो KKN दारूवाला वो एक पारसियन है, ठीक है, यानी वो पारसी धर्म से रिलेट करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आठ नंबर, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डॉट डॉट रूल, प्यारे बच्चों हमारे जो पूर्वज थे वो यानी कौन से रूल को जो है एंजॉय करते थे, तो वो होम रूल एंजॉय करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। होम रूल किसे बोलते हैं, देखिए घर में जो यानी माहौल चलती है या फिर घर में जो लड़ाई मार होती है, तो उन लड़ाई मार को जो है घर में ही सॉल्व कर देना, उसी को हम लोग होम रूल बोलते हैं, ठीक है, यानी घर के बात को घर में ही खत्म कर देना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नौ नंबर पूछा गया है, यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन यानी विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया, प्यारे बच्चों देखिए जो यूरोपियन सभ्यता है उसके लिए जो इंडिया के लिए क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि इंडिया को बर्बाद कर देगा, यानी रूइन फॉर इंडिया, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डॉट डॉट रुपीज, प्यारे बच्चों देखिए नानू काका जो है कितने रुपए का चेक लिखता है, तो वो 1000 रुपया यानी 1000 रुपए का चेक लिखता है, ठीक है, जिसमें से 2 रुपीज सिर्फ किसको देते हैं, धोबी को देते हैं, ठीक है। धोबी को देने के बाद वो क्या बोलते हैं कि यानी ईमानदारी से भर के जो है कुछ नहीं होता है, ठीक है, यानी 1000 में सिर्फ वो धोबी को 2 रुपया दे करके उसके बाद जो है नानू काका बोलते हैं कि यानी ईमानदारी से भर के कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर,
ग्यारह नंबर पूछा गया है बर्टेंड रसल बिलोंग्स टू, प्यारे बच्चों बर्टेंड रसल जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बारह नंबर, बारह नंबर पूछा गया है सीगा नोइया इज अ डॉट डॉट राइटर, प्यारे बच्चों सीगा नोइया जो है यानी कैसा राइटर है, जापानीज चाइनीज इंडियन या फिर यानी नन यानी इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना है सीगा नोइया जो है वो एक जापानीज राइटर है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों तेरह नंबर, हु इज द नाउन एज द पीपल्स पोएट, प्यारे बच्चों देखिए पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, वाल्ट विटमैन, देखिए यहाँ पर पूछा गया आप देख सकेंगे देखिए कि वाल्ट विटमैन, वाल्टर डिलामेर, रूपर्ट ब्रूक या फिर जो है जॉन डन, तो कौन है जो पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, तो वो वाल्ट विटमैन जाने जाते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चौदह नंबर, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, प्यारे बच्चों आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है वाल्ट विटमैन साहब के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं पंद्रह नंबर, द सोल्जर इज अ डॉट डॉट पोएम, प्यारे बच्चों देखिए द सोल्जर जो है ये कैसा पोएम है, तो आपको पता होगा कि ये एक वॉर पोएम है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सोलह नंबर, फायर हिम इज रिटन बाय, प्यारे बच्चों फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और केकेएन दारूवाला कौन से धर्म से रिलेट करते हैं, पारसी धर्म जिसको हम लोग फारसियन बोलते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सत्रह नंबर, सत्रह नंबर पूछा गया है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, प्यारे बच्चों गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो वो अप्रैल 1917 में या फिर 1917 में आए थे, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, प्यारे बच्चों देखिए आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है जिसको डिलीवर्ड कौन किए हैं, तो इसे डिलीवर्ड किए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये जाने जाते हैं ब्लैक गांधी के नाम से, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं और पीपल्स पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, 19 नंबर पूछा गया है बर्टेन रसल वाज अ फिलोसोफर एंड, प्यारे बच्चों देखिए बर्टन रसल जो है फिलोसोफर भी थे और साथ में क्या थे, तो आपको याद रखना है वो एक हिस्टोरियन भी थे, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, सेविज हॉबीज हॉबी वाज अ कलेक्टिंग, प्यारे बच्चों देखिए सेविज हॉबी वाज अ कलेक्टिंग, तो आपको बता दें सोबी का यानी सेवी का जो आदत था क्या कलेक्ट करने का था, तो वो गॉड्स यानी कद्दू जो है कलेक्ट करने का आदत था, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, विटमैन बोर्निन, प्यारे बच्चों देखिए वाल्ट विटमैन साहब जो है कब पैदा हुए, तो इसका राइट आंसर फटाफट से आपको लाइव चैट कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वाल्ट विटमैन साहब जो है 1819 में जो है पैदा हुए थे, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, कमला दास इज एन डॉट डॉट पोएटेस, प्यारे बच्चों देखिए कमला दास जो है वो कहां की कवयित्री थी, अमेरिकन इंडियन या फिर अफ्रीकन रशियन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, एंटोन चेकोव हैज रिटन द लेसन, प्यारे बच्चों देखिए एंटोन चेकोव चेकोव जो है इनमें से कौन सा जो है लेसन लिखा है, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए मैरिज प्रपोजल या फिर द अर्थ या फिर द आर्टिस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोन चेकोव क्या लिखे हैं, ए मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ए चाइल्ड इज बोर्न कौन लिखे हैं, सीगा नोइया, द अर्थ कौन लिखे हैं, तो द अर्थ के राइट ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन गिरी लिखे हैं, ठीक है, जर्मन गिरी, उसके बाद द अर्थ का राइटर कौन है, एच ई बेट्स, और द आर्टिस्ट सीगा नोइया, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, 25 नंबर पूछा गया और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो आपको याद रखना है वो कुछ यानी मिनिस्टर्स को देखने आए थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है, क्लास कैसा
कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग को PDF नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रही है कुछ दिनों के लिए, 100 रुपया में आप जो है हर सब्जेक्ट का PDF जो है यानी ले सकते हैं, ठीक है। 100 रुपया में सिर्फ जो है आप 1 साल वैलिडिटी के साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। हर प्रकार के आपको PDF मिलने वाला है, और वैसे भी आपका जो है ग्रुप में दे दिया गया चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, गेस ऑब्जेक्टिव, गेस सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, सब दे चुके हैं ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग 25 में कितना सही किए ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।